हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल की। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो उसी से रिलेटेड हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 2yik प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ये वापिस से हमको लिख लेना चाहिए। क्या है फोर्स हमारे पास में? फोर्स गिवन है दिस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2yik प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू द फाइनल पोजीशन हैविंग कोऑर्डिनेट 5,0,0 मीटर टू y इक्वल टू 5,00 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एफ ऑन द पार्टिकल मूव्स अलोंग OAC, OBC एंड OC। और हमको ये भी चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया और ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,5। तो सबसे पहले हमको OAC पाथ से मूव पर मूव करना है। तो हम वो पाथ एक बार देख लेते कि OAC पाथ कौन सा है। तो ये है O, ये है ए एंड दिस इज सी। मतलब आपको इस पाथ पर आना है, इस पाथ पर मूव करना है। और फिर ऐसे ऊपर जाना। तो इसको फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वर्क डन टू मूव ओ टू सी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ओ टू ए प्लस वर्क डन टू मूव ए टू सी। दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्क डन टू मूव ओ टू ए। O2, और यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वेरिएबल है। वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले पाथ जो है वो हमने लिया है ओ टू ए। कौन सा पाथ लिया है? ओ टू ए पाथ लिया है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू बच्चा लोगों कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। और डी वाई भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि नो चेंज इन वाई, नो चेंज इन वाई। एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे तो वाई में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। तो हमने डी वाई को, डी का मतलब क्या है? चेंज। डी का मतलब क्या है? चेंज। और यहाँ पर डी वाई जीरो क्यों होगा, ये आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे, है ना, वर्क डन फाइंड करेंगे ओ से ए जाने के लिए, है ना, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ओ से ए एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, है ना। तो एफ का वैल्यू कितना? एफ का वैल्यू है 2yik प्लस 2x² x² jk, और इसका डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ में करेंगे तो होगा dxik प्लस dyjk। पर यहाँ पर तो y जीरो है, है ना, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। y जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा और डी वाई भी जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे ओ टू ए तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ओ टू ए 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहाँ पर y भी जीरो है मतलब ये भी जीरो हो गया और डी वाई भी जीरो है मतलब ये भी जीरो हो गया। तो अल्टीमेट आंसर कितना आया? जीरो। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया जीरो। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्क डन टू मूव ए टू सी, ए से सी जाना है तो ए से सी पाथ के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वापस से कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर पाथ ए टू सी, अगर ए टू सी की बात करें तो वहां पर एक्स का वैल्यू तो 5 है, x का वैल्यू कांस्टेंट है 5 और dx इक्वल टू क्या है? 0 है। dx इक्वल टू क्या है? 0, क्योंकि जब y डायरेक्शन में मूव करते हैं तो x में चेंज कितना होता है? 0 होता है। और y का वैल्यू कहां से कहां तक मूव कर रहा है? y का वैल्यू मूव कर रहा है 0 टू 5। तो अगर हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम a टू c तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2y इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी 2y इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई।
है ना। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, और एक्स का वैल्यू फाइव पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन होगा जीरो से फाइव, क्योंकि एक्स का वैल्यू कहाँ से, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी वाई का ही पुट करना होता है। तो यहाँ पर फाइव इंटू वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा, और लिमिट पुट करेंगे जीरो टू फाइव, तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 25 जूल। कितना है आंसर? 25 जूल। तो अगर हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है, दैट इज ओ ए सी, ओ ए सी का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ऑन ओ ए सी इज इक्वल टू जीरो प्लस 25, सो वर्क डन ऑन ओ ए सी इज इक्वल टू 25 जूल। कितना आया? 25 जूल। ओके, अब हम सेकेंड वाला बी पार्ट सॉल्व करते हैं, है ना। तो बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट बोल रहा है कि अब आपको फाइंड करना है ओ बी सी। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वही हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओके, और फोर्स हमारे पास में है एफ, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2yik प्लस एक्स स्क्वायर जे के। तो वर्क डन वेरिएबल होगा फ्रॉम दिस इज एफ डॉट डी आर, ओके, एफ का वैल्यू कितना है 2y, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। अगर ये कैसे लिख दिया वो समझना है तो थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड देखो तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब अगर हम आगे देखते हैं, हमको मूव करना है ओ से बी और बी से सी, तो हम लिखेंगे वर्क डन ओ से ओ बी सी, मतलब कि वर्क डन ओ से बी प्लस वर्क डन बी से सी। ओके, फिर हम बात करेंगे, अगर हम ओ बी पाथ की बात करें, किसकी बात करें, पाथ ओ बी, तो ओ बी में हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, सो ऊपर जा रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा, और डी एक्स भी कितना होगा, जीरो होगा, एक्स भी जीरो होगा और डी एक्स भी जीरो होगा, क्योंकि कोई वाई में चेंज नहीं है। हम यह लिख सकते हैं नो चेंज, नो चेंज इन एक्स, वाई में नहीं, कोई एक्स में चेंज नहीं है, एक्स में चेंज नहीं है मतलब कि एक्स कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू जीरो ही रहेगा। ओके, तो हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम ओ टू बी इज इक्वल टू टू वाई, और डी एक्स का वैल्यू जीरो प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर, और डी वाई, डी वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पर, अब एक्स का ही वैल्यू जीरो है तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, आंसर आएगा जीरो। कितना आएगा? जीरो जूल। कितना आएगा? जीरो जूल। तो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क डन कितना आया, हमने ओ से बी का तो जीरो निकाल लिया, अब हम बी से सी का बात करते हैं, ठीक है, पाथ बी टू सी उसकी बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको इजी हो जाए, ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बी टू सी, तो बच्चा लोगों बी से सी पर जा रहे हो तो वहां पर डी वाई जीरो होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। क्यों डी वाई जीरो होगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो वाई में चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर वाई में चेंज नहीं तो वाई का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू फाइव, वाई का वैल्यू कॉन्स्टेंट है फाइव। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करना, बस अब ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा, दैट इज डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टू वाई, तो वाई का वैल्यू तो कितना है फाइव, तो फाइव पुट कर दो, इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का वैल्यू तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको टेन को इंटीग्रेट करना है, मतलब एक्स हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे कहाँ तक, जीरो टू फाइव तक। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, आंसर आया 50। कितना आया? 50 जूल। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम ओ बी सी
इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू आया हमारे पास में 0 प्लस 50 जूल। अरे यहाँ पर तो अब हमने ये देखा कि अगर हम OAC पर जाते हैं, बच्चा लोगों OAC पर वर्क डन 25 जूल आ रहा था, और OBC पर जाते तो वर्क डन 50 जूल आ गया, ये तो गलत बात है। तो ये फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। और ये लास्ट वाला जो सी पार्ट है, ये सॉल्व करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम ओ से सी मूव करने वाले हैं, ओ से सी मूव करने वाले हैं, तो यहाँ पर किसको जीरो पुट करोगे, दोनों वेरिएबल एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले उस पाथ का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ओके, जिस पाथ पर हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल यहाँ पर, दोनों वेरिएबल है। जब आप ओ से, फिर से हम कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर पे आ जाते हैं, ओके, ओ से सी जब मूव करोगे तो इस पाथ का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, है ना, ये 0.0 और ये 5.5, तो 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और c का वैल्यू भी 0 है, क्यों है c का वैल्यू, क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन y एक्स इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन क्या आया, ओ y इक्वल टू एक्स। तो अब जब आप इंटीग्रेट करोगे, वर्क डन फाइंड करना है, ओ टू सी इंटीग्रेशन ऑफ 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। तो सब जगह जहां जहां y दिख रहा है वहां 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 x पुट करो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ OC, इक्वेशन ऑफ OC, तो पुट कर दो। तो w ऑन OC इज इक्वल टू 2x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको केवल x को y से, y को x से रिप्लेस करना है, और x के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक हम जा रहे हैं, ओके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और लिमिट कितना पुट करोगे बताओ, लिमिट कितना पुट करोगे, 0 टू 5, ओके। तो w कितना आया, अब तो बड़ा इजी हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाते हैं, इसका मतलब आपका फिजिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल करो, ये हो जाएगा 25, ओ 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/3 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ओके। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 125/3, इसको आगे आपको ही सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन।